गुड मॉर्निंग टेंथ क्लास। आज हम अपने गद्य खंड का सेकंड चैप्टर कर रहे हैं, बाल गोविंद भगत। बेटा लाइव क्लास में पूरा चैप्टर समझाया जाता है, आप जितने बच्चे लाइव क्लास लोगे ज़्यादा से ज़्यादा आपको समझ भी ज़्यादा आएगा। लेकिन वीडियो में मैं आपको इस चैप्टर का सार समझाऊंगी। अगर ज़्यादा समझना है तो लाइव क्लास आपको लेनी पड़ेगी। बाल गोविंद भगत मंझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे, उम्र 60 से ऊपर की थी, बाल पक गए थे, चेहरा उनका सफ़ेद बालों से जगमग रहता था, कमर में लंगोटी बांधे रहते थे, सिर पर कबीरपंथी टोपी पहने रहते थे और सर्दियों में काला कंबल ओढ़ लेते थे, मस्तक पर चंदन, गले में तुलसी की जड़ों की माला। वे साधु नहीं थे, लेखक ने उनके बेटे बहू को देखा था, उनकी थोड़ी खेतीबाड़ी भी थी और एक साफ सुथरा मकान भी था। बाल गोविंद भगत साधु की सब परिभाषाओं में खरे उतरते थे। क्यों? क्योंकि वे कबीर को साहब मानते थे और उन्हीं के गीतों को गाते थे और कभी झूठ नहीं बोलते थे। इनमें आप इस पैराग्राफ में आपको बाल गोविंद भगत की चारित्रिक विशेषताओं का पता चल रहा है कि वो मंझोले कद के व्यक्ति थी, उनकी उम्र 60 साल की थी, उनके बाल सफ़ेद हो गए थे, सिर पर हमेशा वो कबीरपंथी टोपी पहनते थे और काला कंबल ओढ़े रखते थे, मस्तक पर चंदन का तिलक और गले में तुलसी की माला पहनकर रखते थे और वो कभी झूठ नहीं बोलते थे। उनके गुरु या उनके साहब कबीर थे। जिस प्रकार साधु जो है कभी झूठ नहीं बोलता, किसी दूसरे की चीज़ व्यवहार में नहीं लाता, गृहस्थ नहीं होता, उसी प्रकार बाल गोविंद भगत जो है बाकी सारी परिभाषाओं में खरे उतरते थे लेकिन गृहस्थ भी थे वो। अब देखिए नेक्स्ट, वे बिना पूछे किसी की कोई चीज़ नहीं लेते थे। वे अपने खेत में पैदा वस्तु को घर से 4 कोस दूर कबीरपंथी मठ में ले जाते थे, वहाँ से जो शेष वस्तु प्रसाद के रूप में मिलती थी उसी से अपना घर चलाते थे। आषाढ़ की रिमझिम बाल गोविंद भगत कीचड़ में लथपथ होकर खेतों में रोपनी करते, भादों की अंधियारे में उनकी खंजड़ी का बज उठती थी, सारा संसार सोता पर बाल गोविंद भगत का संगीत जागता रहता। अर्थात वो हमेशा अपनी खंजड़ी लेकर कहीं भी फ्री होते तो वहीं बैठकर अपना गाना गाने लगते थे। गर्मी की सांझ उमस भरी होती थी तब भी वह गांव के कुछ प्रेमी उनके यहाँ जुट जाते थे और धीरे धीरे उनका मन तन पर हावी हो जाता था और बाल गोविंद भगत नाचने लग जाते थे और तब सारा आंगन नृत्य संगीत से ओतप्रोत हो जाता था। अर्थात बाल गोविंद भगत की जो दिनचर्या थी वो खेतीबाड़ी करने के बाद जो भी टाइम बचता था शाम को अपनी खंजरी लेकर गीत गाने लगते थे और गाते गाते इतने मस्त हो जाते थे कि वो नाचने भी लग जाते थे। अब बाल गोविंद भगत के संगीत का उत्कर्ष तब देखा गया जब उनका इकलौता बेटा मरा। वह कुछ सुस्त और कमज़ोर था, बाल गोविंद उस पर पूरी नज़र रखते थे, बड़े चाव से उसकी शादी करवाई, पतोह भी बड़ी सुशील मिली। एक दिन बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया। लेखक ने उसके घर जाकर देखा कि बेटे को आंगन में चटाई पर लेटाकर एक उसके ऊपर कुछ फूल बिखेरे थे और जमीन पर वहीं आसन जमाए वह गीत गा रहे थे और उनकी पतोह रो रही थी। बाल गोविंद भगत पतोह से बार बार रोने के बदले उत्सव मनाने को कहते हैं। क्यों? क्योंकि उनका मानना था कि आज जो है आत्मा परमात्मा के पास चली गई है, अर्थात आत्मा का परमात्मा से मिलन हो गया है, तो इससे बढ़कर आनंद की और कोई बात नहीं हो सकती है। अर्थात वो कहते थे कि आज का दिन जो है खुशी मनाने का है, उत्सव
मनाने का है। फिर इसके बाद उन्होंने सामाजिक मान्यताओं को रद्द करते हुए अपने बेटे की चिता की अग्नि अपनी पतोहू से दिलवाई। जबकि हमारा हिंदू समाज जो है किसी भी चिता को अग्नि जो है बेटों से दिलवाता है, पतोहू से नहीं। लेकिन उन्होंने समाज के विरुद्ध फैली बुराइयों का अंत किया। और दो सामाजिक बुराइयां कई बार क्वेश्चन में आ जाती हैं, तो फर्स्ट कि उन्होंने अपना पतोहू से अपने बेटे की चिता को अग्नि दिलाई। दूसरा उन्होंने यह किया कि अपने पतोहू के भाई को बुलाकर उससे पूर्ण विवाह का आदेश दिया। हमारे हिंदू समाज में विधवा विवाह पर रोक लगी हुई थी, लेकिन उन्होंने उस सामाजिक बुराई का खंडन करते हुए उसके दोबारा विवाह का आदेश दिया। पर पतोहू तो ससुर की सेवा करने पर तुली हुई थी और वह उन्हें छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि उसे चिंता थी कि उसके बिना उनकी देखभाल कौन करेगा। बाल गोविंद की मृत्यु भी उन्हीं के अनुरूप हुई। वे हर वर्ष गंगा स्नान को जाते थे, वहाँ से वो पैदल ही जाते थे। इसमें संत समागम और लोक दर्शन हो जाता था। घर से खाकर चलते थे और घर ही आकर खाते थे, कहीं भिक्षा नहीं मांगते थे। अपने आने जाने में 4-5 दिन लग जाते थे। बुढ़ापे में भी उन्होंने ये टेक नहीं छोड़ी, अर्थात उनकी जो दिनचर्या थी वो हमेशा बंदे बंदाई नियमों पर चलती थी। उन्होंने कभी अपनी दिनचर्या को नहीं तोड़ा। एक बार जब वो लौटे तो उनकी तबीयत खराब थी, सुनती थोड़ा बुखार था। लोगों ने नहाने धोने से मना किया, पर वे मानने वाले नहीं थे, क्योंकि वो अपनी दिनचर्या कभी भी नहीं तोड़ते थे। उस दिन भी संध्या में गीत गाए, पर लगता था जैसे तागा टूट गया, अर्थात लग रहा था कि सांसों की डोर जो है छूटने लगी है। माला का एक एक दाना बिखर गया। सुबह जब लोगों ने उनका गीत नहीं सुना, तब पता चला कि बाल गोविंद भगत की मृत्यु हो गई है। तो 10th क्लास, इसे अच्छे से समझने के लिए आपको अपनी बुक से इसको रीड करना है, क्योंकि आपको पता है कि पठित गद्यांश 5 मार्क्स का आता है। जब तक आप बुक से पूरा रीड नहीं करेंगे आपको चैप्टर समझ नहीं आएगा। ओके।